आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जहां एक तरफ शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान की प्रक्रिया जारी है, वहीं कई जगहों पर ग्रामीण समस्याओं को लेकर वोट बहिष्कार की बातें सामने आ रही है। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला शाहपुर प्रखंड के धमोवल गांव के बूथ संख्या 53 और 54 पर देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीण वर्षों बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं होने से नाराजगी जताते हुए सामूहिक वोट का बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद उस बूथ पर ना ही किसी पार्टी का कोई पोलिंग एजेंट बैठा है और ना ही वहां वोट पड़ रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच नाराज ग्रामीणों को समझाने और वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धमोल गांव के 53 बूथ और 54 बूथ पर 2500 से 3000 के बीच मतदाता हैं, जिसमें हिंदू समुदाय से आने वाले लगभग सभी जातियों के वोटर हैं। उसके बावजूद भी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने के बाद भी एक भी वोट इस बूथ पर नहीं दिया गया है और ना ही किसी भी दल का कोई पोलिंग एजेंट बना है। वोट बहिष्कार कर रहे हैं लोगों की माने तो आज़ादी के बाद इस गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण बच्चों के पढ़ाई लिखाई, गर्भवती महिलाओं की समस्या, मरीज का इलाज और कई आधुनिक सुविधाओं से कोसों दूरियां गांव में हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर धमोल गांव के लोगों के द्वारा कई बार जिला प्रशासन, सांसद और विधायक के अलावे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, उसके बावजूद भी सड़क निर्माण के लिए कोई पहल नहीं किया गया। सुबह से वोट कितना पड़ा है? सुबह से वोट अभी तक एक भी नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा? क्या कुछ यहाँ के जनता जो लोग है सामूहिक बहिष्कार किए हैं? सामूहिक बहिष्कार है। इन लोग का कथन है कि हमारे गांव में आने जाने की सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है, इसके अलावा जो और कुछ भी है। हम लोग बात किए जनता से, यही हम लोग को मिला कि यहाँ आने जाने की कोई समस्या नहीं है, समस्या के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम अपने बूथ मतदान केंद्र 53 से हम बोल रहे हैं। हमारे सब, मेरा नाम हुआ राम केवल राम, मेरे सब मतदान कर्मी तैनात है, सुबह से बैठे हुए हैं, एक भी वोटर यहाँ नहीं पहुँचे, यहाँ तक कि एजेंट लोग भी नहीं है। एजेंट लोग के भी कहा गया कि आप लोग कम से कम आइए, योगदान कीजिए, फिर भी लोग नहीं आए। हम लोग अपने शांति से इंतजार कर रहे हैं। सब हो चुका है। यहाँ वीडियो साहब भी आए थे, उन्होंने अपने से कोशिश की है, प्रशासन भी कोशिश किया है, सब लोग अपना कोशिश करके बैठे हुए हैं कि ताकि कोई भी वोटर आए, हम लोग वोट दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट करना है ना? क्यों नहीं करना है? रोडे नहीं है तो क्या वोट करेंगे? हम लोगों का मांग है रोड दीजिए तब वोट लीजिए। हाँ, 70 साल से हम लोग, बारिश होता है तो गाड़ी किसी दूसरे गांव में खड़ा करके हम लोगों को आना पड़ता है। विधायक जी हैं वो भी रोड नहीं दिए, माननीय सांसद जी हैं लिख करके दूसरे नंबर पर डाल दिए हैं कि डेरा पर से लेकर के धमोल स्कूल तक ये रोड कम्प्लीट हो चुका है, जबकि आप भी आए होंगे तो उस जगह को देखे होंगे। इसके बावजूद भी रोड नहीं बना है। अभी आए थे उनके प्रतिनिधि कि 20 लाख का, 25 लाख का ये देंगे वो देंगे, हम लोग सीधा बोल दिए कि रोड नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। नहीं सर, वोट नहीं देना है तो आज तक कोई प्रत्याशी भी नहीं आया हाथ जोड़ने के लिए, मांगने के लिए, तो वोट कैसे दे देंगे हम लोग? वोट कम से कम तो आना भी चाहिए ना यहाँ देखने के लिए। बहिष्कार कर रहे हैं, रोड नहीं है मेरे यहाँ। हाँ, रोड नहीं है, कम से कम तो प्रत्याशी लोग को तो आना चाहिए ना कि स्थिति देखने के लिए। रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। ये बात नहीं है कि लोकसभा का हम लोग माने वोट नहीं दे रहे हैं, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। यहाँ आर के सिंह अपने स्टेटमेंट में लिख कर डाल दिए हैं कि हम रोड बुझा रहे के डेरा से लेकर के धमोल हाई स्कूल तक बनवा दिए। आप यहाँ कुछ भी नहीं बना है, 1 इंच नहीं बने हैं, आर के सिंह डलवा दिए हैं कि कैसे डलवा दिए? उनको जांच करना चाहिए ना, बना है कि नहीं बना है। रोड नहीं बना है, आपको भी तो एक बार पूछना चाहिए उनसे कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है उस गांव के लिए। भैया यही बात है, हम लोग वोट नहीं देंगे। आप बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, नियंत्रण कक्ष से यहाँ सभी बूथों की निगरानी की जा रही है, जो भी कंप्लेन आ रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है,
ऐसा ही कंट्रोल रूम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाया गया है और बिल्कुल शांतिपूर्वक है और मतदाता आके वोट कर रहे हैं। एक दो जगह पे चुनाव बहिष्कार की सूचना आई थी, एक जगह तो हो भी गया है। पदाधिकारी लोग को कन्विंस करने के लिए लगे हुए, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर एक जगह पे हम लोग वोटिंग करवा लेंगे। सर प्रतिशत क्या लग रहा है? हीट वेव का रहा है प्रकोप, गर्मी रही है, बट आज मौसम अच्छा है अगर आप देखें दो तीन दिन पहले से तो। और प्रतिशत अभी तक 9.32% था 9 बजे तक, और उसके बाद भी मुझे लगता है तेज़ी से बढ़ेगा, तो अधिक से अधिक संख्या में मतदाता आके वोट करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हम लोग हर एक मतदान केंद्र पे चाक चौबंद व्यवस्था रखे हुए हैं। माउंटेड बटालियन भी है, बोट पेट्रोलिंग भी की जा रही है, जो सीमा है वहाँ पे भी अतिरिक्त पुलिस बल है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।